नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। आज का टॉपिक है, एक व्यक्ति अपने डायरेक्ट सेलिंग के करियर में मोटिवेशन के चार स्टेप्स होकर गुजरता है और लोग डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं और उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या करें। तो पहला स्टेप है मोटिवेटेड इन इफेक्टिव, यानी प्रेरित लेकिन प्रभावहीन। इसका मतलब है जब एक व्यक्ति नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करता है तो वह काफ़ी जोश में होता है, बहुत मोटिवेट होता है, वह कंपनी के टॉप लेवल पर तुरंत पहुंचना चाहता है। वह क्या कहता है, चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे। वह काफ़ी उत्साहित होता है लेकिन वह मोटिवेटेड होने के बावजूद पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है क्योंकि वह उस माहौल के लिए नया होता है। उसे यह नहीं पता होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब। यही वह वक्त होता है जब गेस्ट खुले दिमाग से सीखने के लिए और उस कंपनी के माहौल में आसानी से ढलने के लिए तैयार होता है। इस समय वह कच्चे मिट्टी के समान होता है, उसे आसानी से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडलाइन के जरिए अपने माहौल में ढाल सकते हैं। उन्हें कंपनी के कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर बतानी चाहिए। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन ऑफ सीनियर, नेक्स्ट डू और डोंट्स, यानी क्या करें और क्या न करें, कंपनी का रूल और रेगुलेशन, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, यानी क्या एक्सेप्ट करने लायक है और क्या एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, कंपनी का बेसिक ट्रेनिंग और कंपनी का टूल्स ट्रेनिंग। अगर उसे बेहतर ट्रेनिंग व सपोर्ट मिलता है तो वह दूसरे स्टेज में पहुँचता है जिसे कहते हैं मोटिवेटेड और इफेक्टिव, यानी प्रेरित और प्रभावशाली। इस स्तर पर वह सीख जाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है, यानी उसका विजन क्लियर हो जाता है और वह पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य में जुट जाता है। वह प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, क्लोजिंग और फॉलोअप बहुत उत्साह से करता है। कुछ दिन बाद जब उसका कुछ टीम बन जाता है, जब डाउनलाइन कार्य करने लायक हो जाते हैं, तो वह तीसरे स्टेज में पहुँचता है और तीसरा स्टेज है इफेक्टिव बट डीमोटिवेटेड, यानी असरदार मगर प्रेरणाहीन। अभी उसके पास सभी कार्यों में निपुणता हासिल है, वह अप्रोचिंग, क्लोजिंग और फॉलोअप में मास्टर होता है, परंतु उसके काम में उत्साह की कमी हो जाती है। वह अपने काम को डाउनलाइन पर छोड़ने लगता है, वह काम की तिकड़मबाजी सीखने लगता है और यह स्तर तरक्की के लिए नुकसानदेह बन जाता है क्योंकि उसकी इनकम उसके सोच के अनुसार नहीं होती है तो वह कंपनी के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है। जब कोई नया व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसका मजाक उड़ाता है, वह हर नए विचार का विरोध करता है और हर तरफ निराशा फैलाता है। इस स्तर के लोगों को ट्रेनिंग और सपोर्ट के जरिए हमें दूसरे स्टेज में, यानी मोटिवेटेड इफेक्टिव में पहुंचाना चाहिए। अगर उसे हम दूसरे स्टेज में नहीं पहुंचाते हैं तो वह ऑटोमेटिक चौथे स्टेज में चला जाता है और वह कंपनी के लिए खतरा बन जाता है, जिसे डीमोटिवेटेड इन इफेक्टिव कहा जाता है। इस स्तर पर वह डिस्ट्रीब्यूटर कोबरा सांप की तरह हो जाता है। अगर वह ऑर्गेनाइजेशन में रहा तो धीरे धीरे टीम के प्रत्येक सदस्य को बाहर का रास्ता दिखा देता है। डीमोटिवेटेड इन अफेक्टिव यानी प्रभावहीन, उस पर किसी मोटिवेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वह भरपूर निगेटिव हो जाता है। वह सिर्फ कंपनी के बारे में शिकायत और कमियां ढूंढता रहता है, अपलाइन के बारे में कमियां ढूंढने लगता है, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के सिस्टम की हमेशा बुराई करता है। इस स्टेज पर अगर वह कंपनी से खुद चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे बाहर निकालने में ही भलाई होता है। प्रश्न यह उठता है, आखिर लोग डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, इसके कुछ कारण हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला है निगेटिव क्रिटिसिज्म, यानी उसका शिकायत करना। अगर किसी भी व्यक्ति का आप शिकायत करते हैं तो अपने आप को डीमोटिवेट महसूस करता है। दूसरा है बेइज्जती करना, अगर पब्लिक में उसको किसी बात के लिए बेइज्जती किया जाता है तो भी वह आदमी अपने आप को डीमोटिवेट महसूस करता है। फेलियर या फियर ऑफ फेलियर, असफलता या असफलता का डर, वह सोचता रहता है कि अगर मैं टीम नहीं बना पाया तो, या मेरी टीम टूट गई तो क्या होगा। फेलियर या फियर ऑफ फेलियर भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। अगला है सही दिशा का ना होना, निगेटिव लोगों के संगत से उसके ऊपर निगेटिवपन हावी हो जाता है और वह डिमोटिवेट हो जाता है।
लक्ष्य का ना होना। अगर उसके पास कोई गोल नहीं है, अगर उसके पास कोई पर्पज नहीं है, तो वह हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगला है कमज़ोर स्वाभिमान, यानी खुद को कम आंकना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, यह मेरी बस की बात नहीं है, यह मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं यह नहीं कर सकता, यानी उसका स्वाभिमान कमज़ोर होता है, वो खुद को कम आंकता है। और अगला है डिमोटिवेटिंग फैक्टर में टीम में राजनीति। जब दो पैरेलल लाइन मिलते हैं तो एक दूसरे के अपलाइन की कमियां निकालते हैं। यार तुम्हारा लीडर तो तुम पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता, वो बोलता है यार तुम सही बोल रहे हो, जिससे उस दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का मोटिवेशन कम हो जाता है और वह अपने आप को निगेटिव महसूस करने लगता है। अगला है डिमोटिवेटिंग फैक्टर सोच के अनुसार इनकम न कर पाना। जब वह ज्वाइन करता है तो काफ़ी बड़े बड़े सपने जल्दी पूरी करने की चाहत रखता है, परंतु बहुत दिन बाद भी अगर उसकी इनकम उस स्तर तक नहीं पहुंचती तो वह डिमोटिवेट हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब अगला सवाल है टीम के लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट देना, टीम के प्रत्येक लोगों को रिस्पेक्ट दे, उन्हें प्यार से बात करें। दूसरा है रिवार्ड दें, कुछ अच्छा करे तो उनको पब्लिकली कुछ ना कुछ इनाम जरूर दे, वीकली या मंथली। अगला है रिकॉग्नाइजेशन, यानी मान्यता देना, उनको मीटिंग में शामिल करे, उनसे फीडबैक ले, उनके विचार जाने और उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट जरूर दे। अगला है दूसरों में रुचि ले, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि ले, जिससे उनका मोटिवेशन अप हो जाता है। अगला है उनको चैलेंजेस दे, उनको टास्क दे, जिससे वो उत्साह के साथ कंप्लीट करे, इससे भी उनका मोटिवेशन बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।